नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजुमदार। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्र के दौरान आपको ऐसा कौन कौन से उपाय करने से आपके घर में आश्चर्यजनक रूप से घर की जो है धन की वृद्धि होगी। चलो पहला उपाय आपको बता देती हूँ। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ, कोई भी लाल रंग की कोई भी कपड़े हो सकते हैं, चुनरी हो सकती है या फिर चूड़ियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे लाल रंग के कोई भी गिफ्ट के साथ सुंदर सा पर्स दीजिए छोटे छोटे कन्याओं को, 10 साल की छोटे कन्याओं को, और पर्स के अंदर 101 रुपया साथ साथ रख के कन्याओं को भेंट कीजिए, 9 कन्याओं को भेंट कीजिए। इससे देखिएगा आश्चर्यजनक रूप में आपके घर में पैसे की, फाइनेंशियल अगर किसी का प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और फटाफट घर में धन समृद्धि से भर जाएगा। चलो और एक आश्चर्यजनक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। नवरात्र के दौरान आपके घर में सोना चांदी या फिर कोई भी शुभ सामग्री, आप उस कोई भी सामग्री आप खरीद लीजिए, उसमें स्वास्तिक, ओम, श्री इस तरह के चिन्ह लगा लीजिए सिंदूर से और घी से, सिंदूर के साथ घी, देसी घी मिक्स कर लीजिए और उस सारे चीज़ों से जो 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 आपकी जो आपके घर में है या फिर आप नया खरीद रही है उसमें आप स्वास्तिक या फिर कोई भी एक चीज़ खरीद लीजिए। आप ऐसे उस चीज़ के ऊपर, सोना चांदी का जो चीज़ आप खरीदेंगे उसके ऊपर स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्रो, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, ये साथ में मुकुट, त्रिशूल, आप कुछ भी खरीद सकते हैं बाजार से। आपको सोना चांदी के इन कुछ भी खरीद सकते हो। आप एक जोड़ा हाथी भी खरीद सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहता है घर में, शुभ रहता है चांदी की हाथी। उसके ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह लगा दीजिए या फिर ओम का चिन्ह लगा दीजिए उस चीज़ को खरीद के, और उसके बाद आपके घर के मंदिर में, खरीदने के बाद घर के मंदिर में देवी दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए और वहाँ आप 9 दिन तक उस चीज़ को, जो सोना चांदी की चीज़ जो आपने खरीदा है जिसके ऊपर ओम लिखा है या फिर श्री लिखा है, उसमें आपका जो है 9 दिन माँ दुर्गा के सामने रखना चाहिए। और अंतिम दिन, जिस दिन लास्ट दिन है, जिस दिन नवरात्र के आखिरी दिन है, अंतिम दिन उस जो आप पूजा पाठ किया हुआ है ये 9 दिन के दौरान, फूल पुष्प वगैरह है, जो पूजा पाठ है आपका, रेशमी कपड़े है जिस कपड़े के ऊपर उस माता रानी को आपने बैठाया, जो आपने सोना चांदी की चीज़ को माता को अर्पित किया, उस कपड़े और फूल, ये सारे चीज़ जो है आप फूल वगैरह, चावल वगैरह सारा आप नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा, आप किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कीजिएगा। सिर्फ जो आपने कपड़ा आपने बिछाया उस कपड़ों को छोड़ के, उस कपड़ा को छोड़ के आगे आपको क्या करना है, वो कपड़ा अगर लाल या गुलाबी रंग का हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, रेशमी कपड़ा हो तो और अच्छी बात है। आपको जो सोना चांदी की चीज़ जो आपने खरीदा, जिसमें आपने स्वास्तिक बनाया है सिंदूर से, उसको आप उस कपड़े के अंदर बांध के जहाँ आप कैश बॉक्स है वहाँ रख दीजिएगा। देखिएगा आश्चर्यजनक रूप में आपके घर में जो है धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। पर याद रखिएगा ये सब जो भी आप खरीदें, जैसे कि मैंने बोला कलश भी खरीद सकते हैं चांदी या सोना की, हाथी भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला त्रिशूल भी खरीद सकते हैं, मुकुट भी, माँ की मुकुट भी खरीद सकते हैं, आप जो भी खरीदेंगे उसको गंगा जल से पहले शुद्ध करके आपको घी और सिंदूर से उसमें ओम या फिर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर लगा लेना चाहिए। ऐसे करने से और 9 दिन उसको पूजन करने से, उसके बाद पूजन के बाद रेशमी कपड़े में लपेट के कैश बॉक्स में रख देंगे, देखिएगा बहुत जल्दी आपके घर में धन का आगमन होगा। आज तो इतना ही, फिर ऐसे ही आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ साधना लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और शेयर कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।